नाउ वी विल अप दिस चैप्टर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन सो ब्रेक दूंगा जिन्होंने छोड़ा है वो लोग चले जाना ठीक है तो बैठना मुझे कोई तकलीफ नहीं है. Okay. So, इसमें दो अलग अलग टॉपिक एक है को रिलेशन जिसमें चार मेथड है कौन से चार मेथड है मेन तो कारोडक्ट मोमेंट भी बोलते हैं उसके अलावा हाँ बेटा स्कैटर डायग्राम मेथड जिससे हम लोगों को आइडिया लगता है लेकिन एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड पता नहीं चलता है उसके अलावा रैंक कोरिलेशन एंड ऑफ डिविएशन है ना तो अब कोरिलेशन में ये चार चीजें फिर रिग्रेशन में मेनली के ऊपर बेस्ड ही आगे के फॉर्मुले हम लोग देखते हैं सो उसकी हम लोग बात करेंगे अभी कोरिलेशन में जो स्कैटर डायग्राम मेथड है उसमें हम लोगों को डायग्राम से ही काफ़ी कुछ आइडिया लग जाती है तो डायग्राम में इसको स्कैटोग्राम डॉटोग्राम भी बोल रहे हैं अब डायग्राम में एक्स कॉडी एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स को हम प्लॉट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड करके तो अगर दोनों वेरिएबल एक सिंगल लाइन में बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट में जा रहे हैं मतलब कोरिलेशन परफेक्ट वन है अगर सिंगल लाइन में टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट आ रहे हैं तो फिर माइनस वन है लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं कि सिंगल लाइन में रहेंगे तो फिर इट कैन टेक एन ओवरऑल अपवर डायरेक्शन बट बैंड रहेगा एक तो दैट तो अगर नैरो बैंड है तो हाई डिग्री कोरिलेशन अगर बैंड काफी ब्रॉड है तो फिर कोरिलेशन तो पॉजिटिव है लेकिन लो है डायरेक्शन नीचे से ऊपर है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट है मतलब नेगेटिव समझ रहे बैंड नैरो है मतलब हाई ना माइनस वन के करीब जो है वो हाई माना जाएगा माइनस पॉइंट विल भी हाई सिमिलरली प्लस पॉइंट इट विलेशन कैन थे अगर स्ट्रेट लाइन नहीं रहा लेकिन कोई ऐसा कुछ कर्ग का कोरिलेशन रहा तो वो भी दिखता है विच के नॉट बी फाउंड आउट थ्रू कार्लियरस फॉर्मूला कार्लियसन फॉर्मूला इज मेनली ओनली फॉर एक तो दो ही वेरिएबल और वो भी ओनली लीनियर बराबर देन मेन तो था कार्ल पियर्सन वाला ही कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला था उसके लिए पहले हमने को वेरायंस देखा था को वेरायंस जो है वेराय के फॉर्मूले से डिराइव किया जा सकता है वेराय का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन को वेरायंस का फॉर्मूले में एक x की जगह y लगा दो y माइनस वाई बार अपॉन एन ये को वेरायंस हो गया और एक फॉर्मूला है वेरायंस का समेशन अपॉन बार स्क्वायर समेन ये को वराय का फॉर्मूला बन जाता है bar bar. बन जाते हैं. समझ रहे को वेरायंस कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो इट कैन बी एनी वैल्यू ग्रेटर देन वन लेस देन माइनस वन एनी थिंग क्योंकि को वरायस अपने आप में एक एब्सोल्यूट नंबर है इस एब्सोल्यूट वैल्यू है इसका यूनिट होता है अगर आपके दो दोनों वैल्यूज के जी के जी में है तो के जी स्क्वायर हो जाएगा लेकिन एक सेंटीमीटर में और एक के जी में है तो वो सेंटीमीटर के जी हो जाएगा द द द द यूनिट यूनिट ऑफ 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 कोवेरियंस विल बी प्रोडक्ट इंडिविजुअल वेरिएबल्स आर यू अंडरस्टैंडिंग कोवेरियंस अपने आप में एनालिसिस के यूज नहीं किया जाता है इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इंटू कोच इज पियर्सन को इसको प्रोडक्ट मोमेंट फॉर्मूला बोलते हैं तो पियर्सन uh, कल्पियंट कोवरायंस की मदद से निकाला जाता है उसका बेसिक फार्मूला क्या है बेटा को अपॉन प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन कोवेरायंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन तो कभी कभारे डायरेक्ट फार्मूला काम में आ जाता है इसको हम लोग आर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं है ना कोवेरायंस अपॉन कोवेरायंस को ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग है ना स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई ऐसा अब इसमें देर फोर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाते हैं इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाते हैं क्या रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं ये देखो ये हम लोग ने देखा आर कैन टेक ओनली द वैल्यूज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन देर फोर प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिशन विल हैल टू और मोर देन द कोवेरास क्योंकि डिनोमिनेटर अगर कोवेरास से छोटा आ गया तो आर तो वन से ऊपर चला जाएगा ना एब्सिल्यूट वैल्यूज का तो वो नहीं चलता है

चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर चैप्टर थ्री डिलीट हो गया यहाँ से अगस्त बैच में होगा इस इसमें भी नहीं है अप्रैल बैच में होगा इसमें भी नहीं है ओके तो मेरे आईपैड में से मैंने हटा दिया है लेकिन आई हैड गिवेन यू दैट वैल्यूज वो आपको उसका पीडीएफ भी, भी भेजा था तो बेसिकली आप में से कोई मुझे अभी के अभी वो टेलीग्राम पे भेज देगा क्या वो पीडीएफ हाँ ढूंढ के भेज दो तो मैं उसको स्क्रीन पे ला लेता हूँ बाद में सिर्फ वो वो वाला पार्ट तो उस, उतना हम लोग स्टडी कर लेंगे माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर इसी फॉर्मूले से बीवाई एक्स का भी फॉर्मूला निकाला जा सकता है न्यूमरेटर सेम रहेगा बीवाई एक्स मतलब y ऑन x डिनोमिनेटर में दोनों जगह x आ जाएगा मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये आ, यहाँ पर मैंने आपको अलग से दिया हुआ है उसका कोवेरास के में अलग से दिया होगा हाँ रिग्रेशन में है ना यहाँ पर ये एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायेर लेकिन क्लास में मैंने आपको कैसे भेजा था कंपेरेटिव टेबुलर फॉर्म में था दैट विल बी गुड फिर ये एक हो गया फिर उसी के हम लोग ने टोटल चार फॉर्मूले देखे थे वहाँ पर एक तो ये था

कि कितना है मतलब अगर पॉइंट एट पॉइंट नाइन वगैरह है वन के करीब है या माइनस वन के करीब है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे हाई कोरिलेशन और अगर जीरो के करीब है तो लो कोरिलेशन जीरो है अगर तो नो लीनियर कोरिलेशन जीरो डज नॉट मीन की देर इज नो कोरिलेशन जीरो मीन्स दैट देर इज नो लीनियर कोरिलेशन अगर भी लीनियर तो फिर भी हो सकता है ना सो ट्रू और फॉल्स में आ सकता है इफ आर इज इक्वल टू जीरो इट मीन दैट देर इज नो कोरिलेशन फॉल्स न स्टिल बी कर्वीलिनियर को रिलेशन ठीक है वाई इक्वल टू एक्सक्वेर ये इक्वेशन का अगर आप देखोगे तो यू विल गेट अ करवीलिनियर को रिलेशन इन दैट ओके तो जीरो को रिलेशन है लेकिन लिखा है इफ टू वेरिएबल इंडिपेंडेंट देन आर इक्वल टू जीरो हाउ एवर कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू मतलब इफ आर इक्वल टू जीरो डज नॉट मीन दैट दू आर इंडिपेंडेंट वेयर कैन बी कर्वीलिनियर को रिलेशन कोरिलेशन को वी हैव स्टडीड इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्योंकि यूनिट कट जाता है है ना आप को में दोनों यूनिट ला रहे हो नीचे स्टैंडर्ड डिशन में भी दोनों के यूनिट आ रहे हैं कट जाते हैं यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है विल गेट एन एब्सोल्यूट नंबर बिटवीन टू बोथ इंक्लूसिव बराबर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल बट द साइन में चेंज है ना कैसा रहता है ओरिजिन अगर किया मतलब प्लस या माइनस किया सिर्फ एक्स में किया सिर्फ वाई में किया सेम वैल्यू से किया अलग अलग वैल्यू से किया कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने सिर्फ एक्स को कम किया वाई को वैसे ही रहने दिया को रिलेशन सेम रहेगा आपने एक्स को बढ़ाया वाई को कम किया दूसरे दूसरे वैल्यू से तो भी सेम रहेगा चेंज ऑफ ओरिजिन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है साइन का भी नहीं चेंज ऑफ स्किल से साइन का फर्क पड़ सकता है चेंज ऑफ स्किल से कैसा फर्क पड़ता है सपोज इफ वाई टू ए प्लस बी एक्स एंड चलो अपन दूसरा वेरिएबल लेते हैं सपोज इफ यू इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एंड वी इक्वल टू सी प्लस डी वाई तो ये जो बी और डी की साइन है इससे फर्क पड़ता है याद बी और डी दोनों अगर पॉजिटिव है तो यू वी के बीच का कोरिलेशन एक्स वाई के बीच का कोरिलेशन सेम रहेगा साइन विल नॉट चेंज दोनों नेगेटिव भी रह सकते हैं दोनों पॉजिटिव भी रह सकते हैं बी और डी दोनों अगर नेगेटिव है तो भी मैग्नीट्यूड भी सेम है और साइन भी सेम है अगर मान लो बी पॉजिटिव है एक्स जिससे मल्टीप्लाई हो रहा लेकिन वाई जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है डी वो नेगेटिव है तो सिर्फ साइन अपोजिट हो जाएगी नेगेटिव होगी जरूरी नहीं अपोजिट हो जाएगी और एक्स वाई का जो एक्सटेंट है कोरिलेशन का वो सेम रहेगा जैसे कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई अगर प्लस पॉइंट एट है तो कोरिलेशन बिटवीन यू भी हो जाएगा माइनस पॉइंट एट बी और डी की एक्चुअल वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है फर्क पड़ता है बी और डी की साइन से समझ रहे हैं लेकिन अगर ये माइनस पॉइंटेड रहता था पहले वाला तो दूसरा वाला बन जाता था प्लस पॉइंटेड साइन विल गेट अपोजिट ऐसा बी पॉजिटिव है डी नेगेटिव है या बी नेगेटिव है डी पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव है तो कोरिलेशन सेम दोनों नेगेटिव है तो भी कोरिलेशन सेम वी हैव दिस पार्ट हैल्सो एंड देन यस इट इज अ रिलेटिव मेजर क्योंकि यूनिट कट जाता है को इफिशियंट ऑफ कोरिलेशन है एंड इट इज अ जोमेट्रिक मीन ऑफ द रिग्रेशन को इफिशियंट एंड दिस इज अ पार्ट वी स्टडीड लेटर ऑन इन द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का ज्योमेट्रिक मीन रहता है एंड उसके पीछे में भी उसका फॉर्मूला है प्रॉपर्टी है उससे हमने निकाला था ये समझा था क्या आपको देन कोई कोरिलेशन को ये भी निकाल सकते हैं हम लोग बहुत कम चांसेस इससे पूछ लेंगे लेकिन है आपकी किताब में सिलेबस में स्टैंडर्ड एर इज वन माइनस आर स्क ऑन रूट एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूले कोरिलेशन इन पॉपुलेशन इज आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर विच इज पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव ऑफ स्टैंडर्ड एरर फोर फाइव वो कॉटल डिविएशन वाला भी था क्यू डी फोर फाइव ऑफ एरर से ज्यादा है, है. तो significant है। नहीं मत पढ़ो. कमाल करते हो यार और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर सिक्स टाइम प्रोबेबल एरर से कम है तो फिर सिग्निफिकेंट नहीं है ठीक है तो ये हो गया बेसिक ओके okay, इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आधे मिनट का भी नहीं क्वेश्चन आर स्क्वायर हमको बताता है कि कितना इन्फ्लुएंस होता है एक्चुअल में आर अगर पॉइंट एट है तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा पॉइंट सिक्स फोर इसका मतलब हम बोलते हैं कि जो वेरिएबल डिपेंडेंट है वो सिक्सटी फोर परसेंट डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ओके से टेम्परेचर पे अगर सेल ऑफ कॉटन शर्ट्स डिपेंडेंट है तो टेम्परेचर पे से पॉइंट एट का कोरिलेशन है तो इट विल बी सिक्सटी फोर परसेंट डिपेंड नॉट एटी परसेंट आर स्क्वेयर बताता है कि डिग्री ऑफ डिपेंडेंस कितना है कोई इफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है तो अगर पॉइंट सिक्स फोर आपका डिटर्मिनेशन का आ गया तो कितना परसेंट बाकी फैक्टर्स के कारण हो रहा है पॉइंट थ्री सिक्स मतलब थर्टी सिक्स परसेंट तो हम लोग इसको बोलते हैं द प्रपोर्शन ऑफ एक्सप्लेन वेरिएबल इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लेन वेरायंस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल वेरांस

इसके ऊपर ही बेस रहता है हमारी रिग्रेशन वाली बातें सो so, ये मेन चीज़ समझ में आ रही है भेजा बेटा आपने भेजा टेलीग्राम में भेजा मैं इसमें डाउनलोड कर लेता हूँ व्हाट्सएप में भेजा कि टेलीग्राम में भेजा आप लोग बाकी फार्मूले देखते रहो तब तक के रे इतने सारे स्टूडेंट्स ने भेज दिया किसका डाउनलोड करो कमा लें अरे मुझे वो भी चाहिए था ना बीवाई एक्स और बी एक्स वाई वो भी है क्या बी वाई एक्स और बी एक्स वाई वाला भी एक था हाँ ये था धनराज ने भेजा है। क्या कितनी सारी बातें जमा रहती ना आप लोगों तो के पास में इतने दिन बाद मिले होंगे ना दोस्तों से ओके यही था ना फॉर्मूला ये कोरिलेशन का फॉर्मूला है ठीक है इसी से रिग्रेशन का बन सकता है रिग्रेशन इक्वेशन होती है बीवाई एक्स के हिसाब से होती है वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एंड इसकी होती है एक्स इक्वल टू ए प्लस बीवाई तो यहां पर अब अब बातें बंद कर दो अब अब मैं बाहर निकालना शुरू कर दूंगा ये ये क्या हो जाएगा न्यूमिनेटर सेम और ये एन समेशन एक्स स्क्र माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर एक ये पूरा जगह ले लेता है मतलब इसी का स्क्वायर हो जाता है तो अब आप देखो जैसे कोवेरियंस का फॉर्मूला था

रिग्रेशन uh, कोट ये एक तरीका है डायरेक्ट तरीका ये एक तरीका है डेटा ऐसा दिया है तो फिर ये भी तरीका है है ना ये डिविएशन वाला मेथड है और फिर ये भी एक मेथड है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बी वाई एक्सेस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिशन ऑफ एक्स इन टू आर ये बहुत काम का फार्मूला है स्पेशली एम सी के एग्जाम्स के लिए क्योंकि आपको ये चार में से तीन आइटम दिए रहेंगे चौथा फाइंड आउट करो ऐसा कुछ रहेगा तो अब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को अगर हम लोग ने प्रोडक्ट ले लिया, तो देखो स्टैंडर्ड डिजन ऑफ वाई और कट कट जाता जाता है, x और x जाता है, और क्या बचता है मीन ऑफ बी वाइफ बी एक्स वाई सो वाले रिस्ट्रिक्शन भी आ जाते हैं बीवाई एक्स इन टू बी एक्स वाई क्योंकि आर स्क्वायर वन के बराबर या वन से कम रहेगा सेकेंडली एक सिग्नेचर प्रॉपर्टी भी है तीनों की साइन सेम रहेगी क्योंकि तीनों का न्यूमरेटर तो सेम ही है ना ये भी एक रीजन है या तो फिर आप सभी एंगल से देखो तो तीनों की साइन जो है वो सेम रहेगी अगर आर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा ये भी नेगेटिव बन जाएगा ऐसा देन बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई मान लो आपका बी वाई एक्स आ रहा है पॉजिटिव uh, और बी एक्स वाई आ रहा है नेगेटिव तो वो गलत जोड़ी इक्वेशन सी गलत है है ना मतलब वो इक्वेशन में वो रिग्रेशन इक्वेशंस ही नहीं तो बी वाइएक्स वन से बड़ा हो सकता है क्या देर इज दिस प्रॉपर्टी यूनिटी वाली प्रॉपर्टी कि इनका प्रोडक्ट से छोटा होना चाहिए बट वन ऑफ देम कैन बी बिगर देन जैसे ये फाइव है तो ये मान लो से वन बाय टेन है तो चलेगा क्योंकि वो फाइव है फाइव इंटू वन बाय टेन कितना हो गया वन बाय टू तो प्रोडक्ट एज लॉन्ग एज द प्रोडक्ट इज नॉट मोर देन वन द बीवास एंड बी एक्स वैल्यूज आर करेक्ट तो ये था बी वाई एक्स एन बी एक्स वाई के बारे में और इसमें इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल तो इसमें चेंज ऑफ स्केल वाला फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मैंने बोला था एक ही ध्यान रखना है ना उसमें दो तीन है बुक में भी दिए हुए तो क्या क्या याद रख सकते हैं अपन इफ यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन पी एंड वी इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन क्यू तो फिर क्या पढ़ा था हम लोग ने बी वी यू बी वाई बी वाई एक्स पढ़ा था क्या बी वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी इन टू बी वी यू ये पढ़ा था हमने सो so, जिससे वो डिवाइड हो रहा है इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो कन्वर्ट करके देखना है बट अब थर्टी फोर्टी परसेंट ऑफ द स्टूडेंट शुड लीव दैट क्वेश्चन अगर चेंज ऑफ स्केल का रिग्रेशन को का आ गया तो चेंज ऑफ ओरिजिन का ही आया सिर्फ तो फिर तो इट विल नॉट चेंज चेंज ऑफ स्केल का आ गया तो थोड़ा वहां पर आप गलती कर सकते हो अगर अच्छे से नहीं पढ़ाए तो सो so, अब यहां पर हम लोग अब आगे देखते इसमें फिर एक बार आपको अगर बी की वैल्यू पता चल गई एक बार बी वाइस की वैल्यू पता चल गई तो फिर आप ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो इफ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बी पता है ए क्या हो जाएगा वाई माइनस बी एक्स दैट मीन वाई बार माइनस बी इन एक्स बार बोथ द रिग्रेशन लाइन पास थ्रू देयर मीन

लेकिन बी का यूनिट नहीं रहेगा सो so, ये सब चीजें थी यूजिंग एक्स यू कैन y, ये पूरी प्रॉपर्टीज है जोमेट्रिक मीन एंड बिकॉज इट इज अट्रिक मीन सो अरिथमेटिक मीन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई विलॉज आर क्या है जोमेट्रिक मीन ए एम इज बिगर देन जी एम ये पढ़ा है ना हमने इंडिपेंडेंस प्रॉपर्टी अगर आर जीरो है तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों जीरो हो जाते हैं क्योंकि बी वाई एक्स वॉज इक्वल टू वॉट वॉज इक्वल टू आर इन टू स्टैंड आर अगर जीरो हो गया तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा ऐसा तो ये सब प्रॉपर्टीज है काम की है अब आपको वो इसमें से कितनी ध्यान रहती है टाइम पे स्ट्राइक होती है वो देखना पड़ेगा देन ये भी एक एंगल बिटवीन द लाइंस वाला था अगर दोनों लाइन परफेक्टली कोरिलेटेड है तो लाइन एक दूसरे के ऊपर ही रहेगी है ना मतलब अगर दोनों वेरिएबल परफेक्टली कोरिलेटेड है तो आप परफेक्ट गेस कर सकते हो यू विल गेट ओनली वन सिंगल स्ट्रेट लाइन फॉर बोथ इक्वेश बट अगर कोरिलेशन परफेक्ट नहीं है लेकिन हाई है तो वो दोनों लाइन थोड़ा थोड़ा अलग होना शुरू हो जाएगी सो द एंगल विल बी लो इफ कोरिलेशन इज हाई एंगल इज लो इफ कोरिलेशन इज लो एंगल इज हाई सिंपल सी बातें सो दैट जब कोरिलेशन एकदम जीरो हो जाए तो द लाइन बिकम परपेंडिकुलर ज्यादा से ज्यादा एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री तो ये आपको ऐसा दिया हुआ है ये एंगल 90 डिग्री तक के हो सकता है सो so, अब ये कोई याद करने वाली चीज नहीं है सोच सकते हो ना कि परफेक्टली कोरिलेटेड है मतलब प्रेडिक्शन करना बहुत आसान है तो मतलब y से x प्रेडिक्ट करेंगे x से y करेंगे और वो एक ही लाइन पे रहेगा परफेक्टली कोरिलेटेड तभी रहता है ना जब एक ही लाइन पे रहता है लेकिन परफेक्टली कोरिलेटेड से थोड़ा कम मतलब हाई कोरिलेटेड है पॉइंट एट पॉइंट नाइन के करीब है तो फिर थोड़ा सा एंगल बनना शुरू हो गया तब एंगल स्टार्टिंग में छोटा रहेगा जैसे जैसे कोरिलेशन कम होगा प्रेडिक्शन वाई से एक्स का करेंगे तो कुछ अलग आएगा उसी एक्स से वाई का करेंगे तो अलग आएगा तो मतलब वहां पर एंगल ज़्यादा बन गया एंगल गोज ऑन इंक्रीजिंग एंगल गोज ऑन पहले जीरो रहता है बाद में धीरे धीरे एंगल बढ़ता है जैसे जैसे आर की वैल्यू कम होती है सो so, ऐसा है बाकी ये सब हम लोग ने देखा आर अगर जीरो नहीं है तो ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं आर अगर जीरो है तो फिर बीवाई एक्स से ज़ीरो हो जाता है है ना और फिर ये हम लोग ने बात किया मतलब रैंक को रिलेशन और कॉन्ट डिविएशन रैंक को रिलेशन में टाई हो गया तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन नॉर्मल में तो बहुत ईजी है वन माइनस सिक्स डी स्क्वे अपॉन एन क्यूब माइनस एन वेल डी रिप्रेजेंट्स वॉट डिफरेंस ऑफ द रैंक्स है ना फॉर द सेम वैल्यू डिफरेंस ऑफ द रैंक्स उसका स्क्वेयर और उसका स्क्वेयर ही करना है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है नॉर्मली समेशन डी जीरो आता है अगर कोई एमसीक्यू आ गया गलती से तो लेकिन हमको समेशन डी स्क्वेयर से मतलब है राइट right? अब इसमें कभी कभार क्या होता है कि हमको ये वैल्यू दी है ये वैल्यू दी है एन पता करने का है तो कर सकते हैं जैसे आपके क्वेश्चन में एन क्यूब माइनस एन नाइन नाइनटी आया था तो आपने बोला था देरफोर एन इज इक्वल टू टेन

विद इन दैट टाइम है ना मतलब उस टाई के अंदर में कितनी वैल्यू टाई हो रही है सपोज टोटल तीन बार टाई हुआ है पहले टाइम में दो वैल्यूज हुई तो टू क्यूब माइनस टू अगले टाइम में चार वैल्यू हुई है तो फोर क्यूब माइनस फोर समझ रहे क्या और फिर अगले चाय में क्या टाई हुआ <laughs> तो ये टाइट रैंक्स वाला केस पढ़ने के लिए ठीक था क्लास में लेकिन एग्जाम के लिए कीप इट एज द लास्ट प्रायोरिटी ओके बिकॉज यू शुड अप्रिशिएट की बाकी भी नाइनटी नाइन क्वेश्चन है वहां पर करने के लिए ये क्वेश्चन चार पांच का टाइम खा जाएगा कोई मीनिंग नहीं है एंड देर इज दिस कॉन्करेंट कॉन्कर मेथड जो अगेन सबसे ईजी है इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ डिविएशन नहीं देखते हैं कि 29 से 49 हुआ तो कितना बड़ा बस प्लस हुआ कि माइनस हुआ ये देखते हैं एक्स की सीरीज में देखते हैं सीरीज में और वाई की सीरीज में पहली वैल्यू का डिविएशन पता नहीं चलेगा पहली से दूसरी का पता चलेगा है ना तो पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू समझो इधर बढ़ा एक्स की सीरीज में और y की सीरीज में भी पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू बढ़ा बस बढ़ा कि नहीं वो देख रहे हैं हम लोग तो इसको हम बोलते हैं साथ में कॉन्करेंटली डिवियेशन हुआ है लेकिन मान लो ये बढ़ा है अगली बार में और ये बढ़ा नहीं ये कम हुआ है तो फिर अभी हम लोग ने कितनी जोड़ियों को कंपेयर किया दो दो डिविएशन को कंपेयर किया और दो डिविएशन में से कितने कॉन्करेंट हुए एक क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस हुआ बट ये प्लस इंटू माइनस माइनस तो नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन मतलब नंबर ऑफ टाइम वी गेट दिस प्लस माइनस इनटू माइनस रहता था तो भी प्लस रहता था मतलब अगर दोनों साइमल्टेनियसली कम हो रहे हैं तो भी हम लोग उसको कॉन्करेंट डिविएशन बोलते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस टू सी माइनस एम अपॉन एम वेर एम इज एन माइनस वन नंबर ऑफ पेयर्स कंपेयर्ड सपोज आठ वैल्यूज है दोनों की तो पहले को तो कंपेयर नहीं कर सकते ना दूसरे से आठवें तक मतलब सेवन कंपेयर करेंगे तो एम विल भी इक्वल टू एन माइनस वन कभी कभार आप पूरा कैलकुलेट करके एम निकालते हो और आपको पूछा रहता है नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं तो उसमें प्लस वन कर देना समझ में आ रहा है क्या अब इसमें प्लस माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है अगर टू सी माइनस एम पॉजिटिव आ गया तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया अगर टू सी माइनस एम नेगेटिव आ गया तो उसको पॉजिटिव करने के लिए अंदर नेगेटिव करते हैं लेकिन वही एक नेगेटिव बाहर लगा देते हैं अगेन दिस बोथ ऑफ दिस वैल्यूज स्पीयरमैन का भी कॉन्करेंट का भी इट कैन टेक वैल्यूज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन रैंक को रिलेशन कैन बी यूज इन केस ऑफ एट्रीब्यूट वेर रैंकिंग हैज बिन डन ओके ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह आपको उसका भी एम आता है कि कहां पर इसको यूज कर सकते हैं है ना वेर रैंकिंग हैज बिन डन समझ में आ रहा है क्या सो दिस इज द मेन डेटा ये सब फॉर्मूले वगैरह है अब इसके क्वेश्चन सो सी पेज नंबर फोर्टी फाइव से लेकर के फिफ्टी मतलब आपकी इसमें तो पेज नंबरिंग अलग है यस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी तक के हैं आ जाइए अब यहां पर अगेन पहले हम लोग जो क्वेश्चन फास्ट होते वो करते जाएंगे और फिर देर विल बी सम टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को रिलेशन में यू कैन एक्सपेक्ट कि 60 परसेंट क्वेश्चन उसके टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे 40 परसेंट फास्ट हो जाएंगे तो so एटलीस्ट वो 40 परसेंट तो अपन हमेशा ही कर ले तो so, पहला वाला अभी छोड़ दो देन Uh, दूसरा वाला को रिलेशन को देख के समझ में आ रहा है माइनस वन परफेक्ट नेगेटिव है वाई वाई जैस, जैसे 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 एक्स कम हो रहा रहा है है वैसे वैसे बढ़ रहा है। तो इट इज परफेक्टली माइनस वन ग्राफ पे भी प्लॉट करेंगे तो हमको ऐसा लाइन मिलेगी है ना ये वन है तो ये फाइव है ये टू है तो ये फोर है ऐसा परफेक्ट नेगेटिव देख के समझ आता है तो ठीक है वरना वही अपना रूटीन तरीका देन इफ अ स्कैटर डायग्राम फ्रॉम अ लाइन फॉर्म अ लाइन

ये वाला भी कर सकते हैं एक्चुअली चलो बाद में कर सिक्स वाला अभी कर लो देखो कैसे अभी कर लो बोल रहा हूं क्योंकि आप ध्यान से देखो तो ये कर्वीलियर कोरिलेशन है एक्स की वैल्यू माइनस थ्री है तब वाई की वैल्यू नाइन है एक्स की थ्री है तब भी नाइन है तो मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है तो इसका लीनियर कोरिलेशन जीरो आएगा करके देखोगे अगर या लीनियर कोरिलेशन के अपन क्या करते हैं एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई न्यूमरेटर सिर्फ उसी को देख लो समेशन एक्स वाई जीरो आने वाला है कि नहीं ये माइनस ट्वेंटी सेवन ये प्लस ट्वेंटी सेवन ये माइनस समथिंग ये प्लस समथिंग ये जीरो आने वाला है और समेशन एक्स इंटू समेशन वाई समेशन एक्स देखो जीरो आ रहा है समेशन एक्स जीरो है तो ये एक्सप्रेशन भी जीरो हो गया तो आंसर क्या हो गया जीरो देन ये क्वेश्चन करना है बाद में करते हैं वन फोर फाइव सेवन छोड़ा है मैंने अभी प्रोबेबल एरर पूछा है प्रोबेबल एरर भी बाद में करते हैं देन

मीन और एक चीज आपको याद दिलाते तो आप लोग जब बी वाई एक्स लिखते हो तो दिस इज वाई ऑन एक्स लेकिन जब आप पी जीरो वन लिखते हो प्राइस इंडेक्स का तो दैट इज ईयर वन ऑन जीरो ध्यान रखना ये नहीं तो इसी में चक्कर खा जाएंगे देन फोर्टींथ वाला बाद में करना है बाद में कर लेते हैं फिफ्टींथ वाला भी बाद में कर लेते हैं रिग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन ओनली नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल बट कोरिलेशन को बोथ तो आई डोंट नो मैंने वहां दिया था क्या आपको समरी में नहीं दिया था यहां पर आपके पेज नंबर ट्वेंटी थ्री पे समरी है ना सॉरी टू पॉइंट नाइन पे तो उसमें आप चाहे तो अपडेट कर सकते हो कोरिशन कोइफिशेंट के बारे में है ना एंड रिग्रेसन कोफिशेंट के बारे में यहां पर ही अपडेट कर दो तो रिविजन के दिन आपको काम में आ जाएगा बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई के बारे में क्या बोलेंगे हम लोग कोरिलेशन कोफिशियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्किल हाउएवर साइन मे चेंज साइन मे चेंज है ना देरफोर ओवरऑल भी इट इज इंडिपेंडेंट ओवरऑल भी वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स क्या तो इंडिपेंडेंट बट रिग्रेशन को इफिशियंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्किल ओवरऑल भी इट विल भी डिपेंडेंट बट डिपेंडेंट ओनली ऑन विच पार्ट ओनली ऑन चेंज ऑफ स्किल समझ रहे कि हम लोग क्या कर रहे हैं बस यहीं पर अपडेट कर दिया तो कि पूरे चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल एक जगह आ गए हमारे पूरी तरह मुझे अगर पहले से पता रहता तो उस दिन नीरज सर की बैच एक डेढ़ घंटा जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो मैं उसी दिन एक डेढ़ घंटे की क्लास ले लेता था क्योंकि स्टूडेंट्स तो आप ही लोगों ना वही है ना सो so, लेकिन नीरज सर ने मुझे ख़त्म करने के बाद फ़ोन किया हो गया ख़त्म मैं घर जा रहा हूँ हाँ अच्छा वैसे ही कुछ बच्चे निकल गए थे हाँ हा, कुछ टी खेलते हुए मिले मुझे मैं पूछा कि तुम लोग को ओडीआर चल रहा है बोले सर इंटीग्रेशन चल रहा है हमारा नहीं है वो हम लोग को वो नहीं पढ़ना था इंटीग्रेशन के लिए हमने कभी क्लास लगाई चली थी जो लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना चाहते उनको फीस में भी डिस्काउंट मिलना चाहिए ना फिर है ना इंटीग्रेशन छोड़ के बाकी पढ़ा दो <laughs> भली बाकी फिर हम बोलेंगे ठीक है कोई टॉपिक दो बार पढ़ा देते फीस उतनी रखो <laughs> लेकिन पहले से तो ना पता रहता है कि कौन सा स्टूडेंट बाद में चूज करेगा नहीं करेगा हाँ मैंने तो चूज किया था हमको इलेवेंथ ट्वेल्थ में था इसलिए चलिए ये समझा क्या चेंज ऑफ स्केल ओरिजिन वहां अपडेट कर लिया बेटा हां कार्लियस को रिलेशन को इफिशन बिटवीन टू वेरिएबल इज क्या होगा कोवेराय कोरिलेशन को इफिशन क्या रहेगा इट इज नॉन ऑफ दिस ना वो कोवेरेंस है ना वो स्क्वायर रूट है वो एक्चुअली ए अपॉन सी है कोवेरेंस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियेशन है समझ रहे क्या ऑप्शन ए अपॉन ऑप्शन सी ए या सी दोनों करेक्ट ऐसा नहीं बोल रहा दो देरमैन रैंक को रिलेशन निकालो बोलते हैं तो ऐसे ही कर लो इसको हाथों डी स्क्वेर अपॉन थाउजेंड माइनस टेन पॉइंट एट टू एट वन आ रहा है क्या डायरेक्ट डेटा दिया आना चाहिए कोई इफिशियंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज आर होल स्क्वायर वन माइनस आर बेटा सम ऑफ द स्क्शन वही बात वन माइनस समेशन डी स्क्वेर अपॉन एट क्यूब माइनस एट ये समझना चाहिए ये एन होता है और ये समेशन डी स्क्वायर बोल रहे वो समय ऑफ डिविएशन थ्री हंड्रेड अपॉन एट क्यूब पाँच सौ चार थ्री हंड्रेड अपॉन पाँच सौ चार पॉइंट पॉइंट फोर जीरो इफ द रिग्रेशन लाइन्स आर पैरेल वैसे पैरेलल नहीं रहेगी दे विल एक्चुअली कोइंसाइड बट नाउ आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन इट विल बी प्लस माइनस वन क्योंकि पैरेलल कोइंसाइड इनसाइड इज ऑल्सो स्पेशल केस ऑफ पैरेलल बट अगर हम लोग टेक्निकल डेफिनेशन में जाए तो पैरेलल लाइन्स नेवर टच इच अदर और ये तो एक दूसरे के ऊपर ही चल रही है है ना तो पैरेल हो नहीं सकती एक्चुअल में तो बट यू विल नॉट गो विथ none of दिस क्योंकि वो क्वेश्चन का अजमशा ही वो है एंगल नहीं है बोलने का मतलब ये। then, 0 0 square, समझ रहे क्या पॉइंट सिक्स फोर इफ देर इज अ कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन दीरिजन ऑप्ट्राफ इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बाकी तीनों पढ़े भी तो नहीं है अपन <laughs> ने देन कोरिलेशन को इज द ज्योमेट्रिक मीन चलो ठीक है देन ये वाला बाद में करते हैं प्राइस एंड डिमांड इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन वेरी गुड ये वाला बाद में करते हैं देन आर प्लस वन या माइनस वन है तो रिग्रेशन लाइंस आर कोइंसाइडिंग दिस इज करेक्ट आंसर देन ये वाला बाद में करते हैं टू रिग्रेशन इक्वेशन मीन पूछा है इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा थर्टी uh, टू भी बाद में करते क्या दिया है? नहीं कर सकते ना को क्या है पॉइंट नाइन है तो कोफिशंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है पॉइंट एट वन ईजी है ना बहुत एटलीस्ट ये सब तो आना ही चाहिए यू मे हैव चोजन टू स्किप सर्टेन चैप्टर लेकिन वो चैप्टर के ईजी वाली चीजें मत छोड़ो मैं बार बार वही बोल रहा हूँ टू लाइन ऑफ रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल वेन ए और बी प्लस वन और माइनस वन आर पॉइंट सिक्स है तो कोई फिशन ऑफ डिटर्मिनेशन पॉइंट थ्री सिक्स बार बार इसलिए दिया अलग अलग वैल्यूज के साथ ताकि आपको समझ आए कि वो कितना इंपॉर्टेंट है रिसेंट एग्जाम्स में आया ही है बार बार अलग अलग तरीके से टू रिग्रेशन लाइन पास थ्रू द रिस्पेक्टिव मीन्स रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई दिया है बाद में कर लेते हैं कोई रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट एंड पावर कंजम्पशन अब इसमें आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम पावर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे है ना एसी लगाएंगे और हम लोग तो इट विल बी पॉजिटिव लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है यूरोप में अगर हम लोग रहते थे तो वहां पर तो अभी एनर्जी का कंजम्पन अभी बढ़ता है विंटर्स में विंटर इज़ कमिंग विंटर इज कमिंग बोलते हैं ना अभी उनको अभी जो रशिया ने जो गैस का सप्लाई रोक रोक के रखा है रशिया ने वो कट किया है कि यू ने कट किया है पता नहीं लेकिन गैस रशिया पे सेंशनस भी लगाए ना उन लोगों ने तो अभी उनको दिक्कत जा रही है क्योंकि उनको ज़्यादा पावर अभी लगता है होम्स को हीट करने के लिए और बाकी तो वहां पर आंसर कुछ और हो जाता था नेगेटिव हो जाता था अब जैसे शिमला वगैरह में आप जाओगे शिमला मनाली में वहां के होटल के रूम में पंखा ही नहीं रहेगा क्योंकि वहां नॉर्मल गर्मी के दिनों में भी पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती है नॉर्मली आजकल तो खैर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आ चुका है लेकिन वहां उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो वहां पर तो रेदर पावर कब कंज्यूम होगा जब हीटर लगेगा ठंड के दिनों में तो ये हम लोग अपने बाकी पार्ट ऑफ इंडिया के हिसाब से बोल रहे हैं ठीक है दिस आंसर इज नॉट ऑलवेज करेक्ट देन रिग्रेशन लाइन्स अगर ये है देन द मेन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई चलो बताइए दो जो दोनों वैल्यू दोनों इक्वेशन में बैठती है बताइए एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन तो क्या हो जाएगा टू वाई इक्वल टू टू दिस माइनस दिस है कि नहीं तो वाई इक्वल टू वन बेफोर एक्स इक्वल टू जीरो नहीं ना बेटा अच्छा सॉरी टू वाई टू जीरो आप पुट करके भी देख सकते हो है ना वन एंड जीरो एक्स एंड वाई दोनों को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो नया कोरिलेशन भी पॉइंट सिक्स ही रहेगा अगर दोनों को सेम साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन भी चेंज नहीं होगी गेटिंग इट ये टर्म के बारे में डिस्कशन नहीं किया अपन ने। नहीं। रिलेशनशिप no मतलब कि एक वेरिएबल का दूसरे पे वैसे कोई संबंध नहीं है फिर भी कोरिलेशन आ गया तो आ गया है ना मतलब कई चीजों का कोई संबंध नहीं रहता है तो फिर भी हो जाता है, है ना को रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल हैविंग नो कॉजल रिलेशन स्कैटर्ड एग्राउंड डज नॉट हेल्प टू फाइंड न्यूमरिकल वैल्यू करेक्ट देन को वेरायंस बिटवीन टू वेरिएबल इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिविएशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम दर मीन्स इज जीरो मतलब कि कोवेरायंस जीरो है तो को रिलेशन को इफिशियंट भी जीरो हो जाएगा क्या पूछ रहे हैं वो दिस ये पूछ रहे हैं x माइनस एक्स बार इन टू वाई माइनस वाई बार ये जीरो है अगर ये जीरो है तो कोवेलेंस भी जीरो हो जाएगा ये तो वेदर एदर अपने कोरिलेशन का भी न्यूमरेटर है तो जीरो हो जाएगा इस पेज पे एक ही छोड़ा अपन ने थर्टी सिक्स देन स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन ये बाद में करते हैं y इक्वल टू नाइन एक्स आर इज इक्वल टू ये बाद में करते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्लोप इज हॉरिजोंटल इफ बी इक्वल टू जीरो देखो अगर बी जीरो रहेगा तो वाई की वैल्यू फिक्स हो जाएगी तो वाई की वैल्यू अगर फिक्स हो गई मतलब वाई हमेशा ही ए के बराबर रहेगा तो द स्लोप विल बी हॉरिजोंटल और बी की वैल्यू कुछ भी आ गई पॉजिटिव आ गई तो स्लोप ऐसा बनेगा निगेटिव आ गई तो स्लोप ऐसा बनेगा सो बी टॉक्स अबाउट स्लोप हॉरिजोंटल मतलब कि बी जीरो है इवन अगर वर्टिकल रहा तो उसमें x इक्वल टू ए प्लस बी वाई का b जीरो होता है देन आर एक्स वाई पूछा है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दिया है एक बात ध्यान रखना r नेगेटिव रहेगा एक ही ऑप्शन है है ना 1.6 पॉइंट सिक्स का स्क्वेयर रूट बट आखिरी में साइन नेगेटिव आएगा साइन का ध्यान रखना पड़ेगा तो माइनस पॉइंट एट आ रहा है कि नहीं देन इफ द डेटा पॉइंट्स एक्स वाई ऑफ एक्स वाई सीरीज ऑन अ स्कैटर डायग्राम अलोंग स्ट्रेट लाइन दैट गोज डाउनवर्ड्स एज एक्स्यूज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो यह क्या रिप्रेजेंट करता है गोज अलोंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन दैट गोज डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन दैट गोज डाउनवर्ड इनडायरेक्ट है ना इम परफेक्ट एक्चुअली इट विल भी परफेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब इनवर्स नेगेटिव लेकिन वह ऑप्शन में नहीं है इम परफेक्ट इन डायरेक्ट करना ठीक नहीं है तो आंसर विल भी इनडायरेक्ट एक्चुअल में वी आर रेफरिंग टू माइनस वन देन इसमें भी ए एम ऑफ एक्स एंड वाई पूछा है बहुत ही रिपीटेडली लास्ट क्वेश्चन है वैल्यूज उठा उठा के डाल दो कौन सी जोड़ी सेटिस्फाई करती है इसको तो डालो वैल्यूज ए एम ऑफ एक्स एंड वाई एक्स की वैल्यू टू टू इंटू टू प्लस फाइव माइनस नाइन यस एंड थ्री इंटू टू माइनस वन माइनस फाइव यस तो पहले ही ऑप्शन में लकीली बैठ गया

एक्स एक्सेस ऐसा कुछ तो भी है ओके okay, तो मतलब एकदम ओरिजिन पे भी जरूरी नहीं ऐसा मतलब कि एट दैट पॉइंट एक्स की वैल्यू क्या है एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है वाई की वैल्यू क्या है जीरो मीन ऑफ वाई वैल्यू है ना एक्स की वैल्यू तो वहां पर प्लस टू प्लस थ्री कुछ भी हो सकती है दिया भी इनफैक्ट सिक्सटीन दिया है एक्स बार कॉमा वाई बार तो ये सिक्सटीन कॉमा जीरो है इफ इट इज क्रॉसिंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इंटरसेक्टिंग एट हॉरिजों से उठा लेते नंबर वन इफ द इक्वेशन ऑफ द टू रिग्रेशन लाइन देन द को रिलेशन को इक्शन बिटवीन एक्स एन वाई तो ऐसा एक्शन आपको दिया रहेगा दो इक्वेशन दिए ये नहीं बोला कि वो कौन सी एक्स वन वाई और कौन सी on एक्स है उसके लिए क्या करोगे आप अजमशन लोगे तो ये थोड़ा सा दिमाग में फास्ट करना पड़ेगा आपको अब देखो अगर आपने इसको on एक्स मान लिया तो आ, क्या हो जाएगा थ्री वाई इक्वल टू टू एक्स या वाई इक्वल टू टू बाई थ्री एक्स तो बी वाई एक्स क्या बन जाएगा आपका बी वाई एक्स हो जाएगा टू बाई थ्री अगर इसको वायोन एक्स माना तो और इसको एक्स वाई माना तो ये क्या हो जाएगा एट प्लस फाइव एक्स एक्स ऑन वाई एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई तो इसको एक्स ऑन वाई माना तो क्या आ रहा है बोलो बी एक्स वाई फोर बाय फाइव है ना फोर बाय फाइव कैसे आ रहे हैं यहाँ पर आप लिखो ना x इज इक्वल टू इसी को x इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी वाई लिखना है क्या हो जाएगा माइनस एट प्लस फोर वाई अपॉन फाइव तो ये जो फोर बाय फाइव है ना वाई का को इफिशियंट प्लस ये बन जाता है बी एक्स वाई यह दोनों का प्रोडक्ट वन से कम है मतलब ये अजम्पशन सही है दोनों का प्रोडक्ट वन से कम है तो आपको क्या पूछा को रिलेशन को इफिशियंट पूछा यू नो वॉट अब क्या करना है टू बाई थ्री इंटू फोर बाय फाइव उसका स्क्वायर रूट एट बाय पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव क्योंकि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है और ऑप्शन में वैसे ही पॉजिटिव वाला ही अवेलेबल है लेकिन समझ गया ना तो अजम्पन अगर हम स्टार्टिंग में इसको एक्सन वाई मानते थे तो बेटा ये थ्री बाय टू आता था, था और ये फाइव बाई फोर आता था, था दोनों ही वन से बड़े हो नहीं सकते हैं दोनों का प्रोडक्ट क्योंकि वन से बड़ा आ जाएगा समझाइए क्वेश्चन मोर ऑफ सच आर वेटिंग अगला भी वैसा ही है कैलकुलेट द कोरिलेशन को इसमें अगेन इसको अपन वाई ऑन एक्स पहले मानते हैं ऐसा मैं क्यों मान रहा हूं क्योंकि देखो वाई का को इफिशियंट नहीं उल्टा मानना चाहिए फिर इसको एक्स ऑन वाई मान लेना चाहिए तो क्या हो जाएगा माइनस टू बाय थ्री देखो एक्स क्या हो जाएगा बेटा ट्वेंटी सिक्स माइनस टू वाई अपॉन थ्री तो ये क्या हो जाएगा बी एक्स वाई और इसको अगर मैं वाई ऑन एक्स मानता हूँ वाई ऑन एक्स तो वाई क्या हो जाएगा थर्टी वन माइनस सिक्स एक्स तो बी बी वाई एक्स क्या हो जाएगा माइनस सिक्स इनका प्रोडक्ट वन से ज्यादा है इनका प्रोडक्ट वन से ज्यादा है ना देर फोर दिस अजम्पन इज रॉन्ग तो हम लोगों को पूरा अजम्पन स्क्रैप करके चेंज करना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा ये y ऑन x से और ये x ऑन y है अब ये बात पक्की हो गई अगर ये y ऑन x है तो b वाई एक्स हो जाता है थ्री बाय माइनस थ्री बाय टू वाई ऑन एक्स और इधर के हिसाब से बी एक्स वाई क्या हो जाता है देखो ध्यान से माइनस वन बाय सिक्स सो आपको करना है माइनस थ्री बाय टू इंटू माइनस वन बाय सिक्स का स्क्वेयर रूट आखिरी में माइनस लगा देना है स्क्वेयर रूट के बाद बता रहे हो है ना ये क्या हो जाएगा वन बाय फोर वन बाय फोर का स्क्वेयर रूट माइनस पॉइंट फाइव वन बाय टू आ रहा है ना अल्टीमेटली स्क्वायर रूट के बाद माइनस पॉइंट फाइव कई लोग यहां तक भी सही कर लेंगे फिर गलत हो जाएगा है ना क्योंकि वन बाय फोर दिख गया पॉइंट टू फाइव दिख गया बट उसका भी स्क्वायर रूट पॉइंट टू फाइव का स्क्वायर रूट होता है पॉइंट फाइव और वो भी ये वाला नहीं वो भी कौन सा वाला ये वाला ध्यान रखना है देन इफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई पॉइंट फाइव कोरिलेशन बिटवीन टू एक्स माइनस थ्री एंड थ्री माइनस फाइव वाई माइनस पॉइंट फाइव क्यों क्योंकि एक्स जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो पॉजिटिव है एंड वाई जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो नेगेटिव है बस साइन से मतलब है उसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है तो क्या हो जाएगा इट विल बिकम माइनस पॉइंट फाइव समझ रहे क्या कुछ देन द रैंक कोरिलेशन को इफिशेंट गिव इन द फॉलोइंग सीरीज रैंक कोरिलेशन को इफिशियंट पूछा है अपने को तो रैंक कोरिलेशन उसके लिए फटाफट रैंक देना पड़ेगा अपने को है ना क्या अच्छा सिर्फ फॉर्मूला पूछा है अच्छा हो गया अगले पेज में तो अपन पूरा निकाल के बैठते थे अच्छा इसमें देख लो कितने टाइज़ हैं कुछ टाइज है क्या इसमें यस ये एक टाई हो जाएगा इधर और इधर और एक टाई हो जाएगा एंड इधर और एक टाई हो जाएगा टोटल कितने टाइज हैं तीन टाइज हैं और नहीं ना तीन ही है ये ये बारह और बारह को टाई मत करो इसको रैंकिंग आपस में नहीं देते ये दोनों अलग अलग सीरीज़ के आइटम हैं तीन टाई हो गए तो हम लोग क्या करेंगे सिक्स समेशन डी स्क्वेर प्लस एम इन टू एम स्क्वा एम क्यूब माइनस एम अपॉन ट्वेल्व ऐसा हम लोग कितनी बार करेंगे तीन बार तो ये मुझे ठीक लग रहा है है ना आई इक्वल टू वन टू थ्री और ये पूरा डिवाइड बाय एम क्यूब माइनस एन ये तो वन टू टू जा रहा है वन टू टू जा रहा है ये दोनों तो गलत हो गए वैसे भी और ये तीन बार रिपीट हो रहा है इसमें इसमें लेकिन ये डिनोमिनेटर इधर ही रखा है इसको नहीं दिया है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी

Into point one, point आया अल्टीमेटली क्या क्या होता है Then, आपको क्या है आपको पूछा रिग्रेशन लाइन ऑफ दिया है ऑफ कोरिलेशन भी दिया है Then, तो इसमें अपन फॉर्मूला यूज करेंगे अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स नो प्लीज अंडरस्टैंड इसमें अपने को यह पूरा वैल्यू पता करना है यह दोनों आइटम तो पता है बी वाई एक्स क्या है क्या दिख रहा है एक्स का कोई क्या है वन सो वन इज इक्वल टू पॉइंट फाइव इन टू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स तो ये रेशियो कितना हो गया वन अपॉन पॉइंट फाइव टू लेकिन उसका स्क्वेयर पूछा है तो आंसर इज फोर मेन फार्मूला समझा क्या आप लोगों को मेन फार्मूले में हमने ये दो वैल्यूज को पुट किया उससे हमको ये वाली वैल्यू मिल गई ये वैल्यू वैल्यू आ गई कितनी आ गई टू लेकिन इस वैल्यू का स्क्वायर पूछा था तो वो स्क्वायर कितना आ गया फोर देन क्वेश्चन नंबर नाइन हो गया देन ट्वेल्व आपको मेन दिया है ये भी बहुत ही रिपीटेडली टाइप का आस्ट क्वेश्चन है एक्स बार वाई बार स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई को रिलेशन दिया है डिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ओन एक्स पूछा है तो उसके लिए बी वाई एक्स कैसे निकाल सकते हैं आर स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन ऑफ वाई अपॉन एक्स ऊपर वाई नीचे एक्स क्योंकि बी वाई एक्स है ये कितना होता है बोलो पॉइंट नाइन सिक्स ये बी वाई एक्स मिल गया एंड ए विल बी इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार वाई बार क्या है सेवेंटी माइनस बी बी क्या है पॉइंट नाइन सिक्स इंटू एक्स बार सेवेंटी फाइव बोलो सेवेंटी माइनस पॉइंट नाइन सिक्स इंटू सेवेंटी फाइव बोलो कितना आ रहा है टू सेवेंटी माइनस सिक्सटी एट आ रहा है क्या सेवेंटी माइनस सेवेंटी टू आ रहा है माइनस टू वही तो पूछ रहा हूँ ए इक्वल टू माइनस टू दे इक्वेशन क्या बन गई वाई इक्वल टू माइनस टू प्लस पॉइंट नाइन सिक्स एक्स कौन सा वाला है ऑप्शन सी अब इसका एक ईजियर वे बताओ हाँ ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर करके ढूंढ लो देख लो एक्स बार वाई बार दिया है ना तो चारों में डाल के देख लो कहाँ मैच हो रहा है दो में मैच हो रहा है तो प्रॉब्लम है एक ही में हो रहा है तो वही आंसर है समझे क्या डाल के चेक कर लो देखो सेवेंटी इज इक्वल टू पॉइंट नाइन सिक्स इंटू सेवेंटी फाइव माइनस टू मैच हो रहा है क्या यस yes. वॉट इज पॉइंट नाइन सिक्स इंटू सेवेंटी फाइव सेवेंटी टू सेवेंटी टू माइनस टू मैच हो रहा है समझे क्या मैंने जो किया वो डिटेल्ड मेथड है वो वो प्रॉपर वे है लेकिन ऑप्शन दिए रहते तो ऐसा भी बिल्कुल कर सकते हो देन टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर गिवन देन द रिग्रेशन लाइन ऑफ वायन एक्स कौन सी इसमें से पूछ रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा अगेन अजामशन लेना पड़ेगा वाय ऑन एक्स के लिए मान लो कि ये वाई ऑन एक्स है अगर तो बी वाइ एक्स क्या हो जाता है वाई एक्स हो जाता है माइनस वन बाय टू फाइव माइनस एक्स बाय टू बराबर है और देरफोर ये क्या रहेगा एक्स ऑन वाई तो बी एक्स वाई क्या हो जाता है माइनस थ्री बाय टू एट कहां से बेटा एट तो उधर जाके सादा पड़ा रहेगा तो माइनस थ्री बाय टू अब माइनस वन बाय टू इंटू माइनस थ्री बाई टू इज लेस देन वन मतलब ये assumption सही है तो ऑन एक्स कौन सी इक्वेशन हो गई पहली वाली ऑप्शन ए समझे क्या बीवाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है इट शुड बी लेस देन वन लेस देन और इक्वल टू वन नेक्स्ट इफ द टू रिग्रेशन लाइन्स आर दिस दिस देन द वैल्यू ऑफ को रिलेशन को इक्वेशन बहुत ही सिंपल है बताओ ये इसको क्या मानेंगे अपन बी एक्स ऑन वाई एक्स ऑन वाई तो बी एक्स वाई क्या हो जाएगा वन बाय थ्री इसको क्या मानते हैं अपन y on x तो बी वाई एक्स क्या हो जाएगा सिक्स बाय एट ये अजम्पन बराबर बैठा ना गलती से कुछ और ले लिया उल्टा लिया तो चेंज कर लेना वन बाय थ्री इंटू सिक्स बाई एट का स्क्वा मतलब कि टू बाई एट पॉइंट टू फाइव का स्क्वायर रूट पॉइंट फाइव आ रहा है क्या पॉइंट फाइव आना चाहिए आपका आंसर वो भी पॉजिटिव क्योंकि दोनों बीवाई एक्स और बी एक्स वाई पॉजिटिव है ये पेज के बाकी सब हो गए थे बेटा टू जीरो बचा था मैंने मार्क नहीं किया हाँ यू इक्वल टू माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री वी इक्वल टू वाई प्लस टू कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई दिया है देखो एक्स माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है और वी प्लस से हो रहा है तो सिर्फ कोरिलेशन की साइन अपोजिट हो जाएगी अपोजिट मतलब माइनस बस कोरिलेशन में मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है मतलब ये दोनों आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है रिग्रेशन में ऐसा हो सकता है कोरिलेशन में एटलीस्ट आंसर ये दोनों में से ए या तो फिर बी में से गॉट इट वॉट आई एम सेंगे यहां प्लस थ्री और ये प्लस टू की साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्स किससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस फाइव से वाई किससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस वन से देन पेज नंबर इलेवन इलेवन पे आ जाओ ट्वेंटी सिक्स अगेन वैसा ही क्वेश्चन दिया है दो इक्वेशन दी है और रिग्रे कोरिलेशन को इक्वेशन मतलब पूछने वाले ऐसे देखा था मतलब समझो आप तो क्या हो जाता है अब इसको अगर बायोन एक्स मान लिया तो ये क्या हो जाएगा नाइन बाय ट्वेंटी और इसको एक्स ऑन वाई मान लिया तो ये हो जाएगा ये भी हो जाएगा नाइन 20 ट्वेंट सॉरी ये नाइन बाय फाइव और ये हो जाएगा नाइन बाय ट्वेंटी तो बेटर है एजम्पन बराबर है ना तो कर लो इसका प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट है ना एटी वन अपॉन फोर हंड्रेड का स्क्वायर रूट आ गया सॉरी एटी वन अपॉन हंड्रेड मतलब कि 0.9 पॉजिटिव ना देन इसको अपन ने स्टार्टिंग से वायो ने क्यों मान लिया क्योंकि वो इक्वेशन उसी फॉर्मेट में सॉर्ट ऑफ लिखी थी तो एक असम्पन तो लेना ही तो वो ले लिया हमने देन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम मीन कोरिलेशन को पूछ रहे हैं आपको इतनी सारी चीजें दी है तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम मीन दिया है मतलब ये क्या होता है बेटा समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार यह आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में दो चीज आती है यहाँ पर क्या क्या आता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर और दूसरा आता है समेसन ऑफ वाई माइनस वाई बार होल स्क्वेयर बताइए जरा ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 122, पहला डिनोमिनेटर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 136, थर्टी सिक्स सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का सम और दूसरा हो जाएगा 138, बाकी डेटा का कोई जरूरत ही नहीं है हमको आंसर शुड बी रेडी प्लस ना, पॉइंट एट नाइन सो बी एबल टू रीड इंग्लिश में जो लिखा है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है

यस yes, अब इसको डाल दो 7.84 पॉइंट एट फोर प्लस वन एक्स ऑप्शन ए पास कैसे कर सकते हैं ऑप्शन में ये दोनों को पहले ही रिजेक्ट कर दो क्यों क्योंकि उसमें बी की वैल्यू अलग ही है ना वो बेकार है अब ये दोनों में से चेक कर लो कि वाई बार और एक्स बार किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं है ना अगर मैंने एक्स बार की वैल्यू डाला तो कौन से केस में मुझे वाई बार की वैल्यू बराबर फोर्टी मिल रही है वैसे भी कर सकते हो बाकी आई वुड गो बाय द रेगुलर मेथड इसमें भी कौन सा ज्यादा टाइम लग रहा है समझता है तो मीन ऑफ एक्स एंड वाई पूछ रहे हैं दो इक्वेशन है मीन ऑफ एक्स एंड वाई पूछ रहे हैं कैसे करना चाहोगे ऑप्शन मेथड से कर लो वैल्यूज को पुट कर दो क्या आ रहा है सिक्स एंड एट तो ये अगर सिक्स है तो ये हो जाता है थर्टी ये हो जाता है एट सिक्सटी फोर इंटू सिक्स माइनस फोर्टी फाइव इंटू एट इफ इट इज मैचिंग देन ग्रेट और आप इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के सॉल्व करके भी कर सकते हो बट वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा छोड़ने लायक तो नहीं है चैप्टर देन 36 सिक्स रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू हंड्रेड वैल्यू ऑफ बी एक्स ऑन वाई क्या हो जाएगा हंड्रेड माइनस टू वाई अपॉन थ्री तो माइनस टू बाय थ्री ये बी है ना बेटा ये क्या होता है बी एक्स वाई और ये क्या होता है ए हो गया क्या दो बचे दो ही बचे ना 44 स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन इज कैलकुलेटेड टू बी 5.5 एंड इंटरसेप्ट इज 15 मतलब कि ये बेटा बी ए और ये ए है वैल्यू ऑफ वाई एन एक्स इज सिक्स तो y इज इक्वल टू फिफ्टीन प्लस फाइव पॉइंट फाइव इन एक्स बस ऐसा आंसर आ गया 48 तो यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट मतलब ए कि जब जब ये एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो उस समय वाई की वैल्यू कितनी है मतलब वेन इट इज़ पासिंग थ्रू द एक्स की वैल्यू जीरो कब रहेगी जब वो वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं तो वाई एक्सिस को क्रॉस किस पॉइंट पे कर रहे हैं तो वो वैल्यू रहती है दैट इज द इंटरसेप्ट वैल्यू ओके एंड देन लास्ट वाई इक्वल टू नाइन एक्स एक्स इक्वल टू पॉइंट जीरो वन वाई तो नाइन इंटू पॉइंट जीरो वन छोटे यार है मतलब बी वाई एक्स नाइन पकड़ लो और बी एक्स वाई पॉइंट जीरो वन पकड़ लो दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट ले लो पॉइंट जीरो नाइन का स्क्वायर रूट पॉइंट थ्री पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव दैट्स इट मेन दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव कई बार प्रॉपर्टी डायरेक्टली काम नहीं आएगी लेकिन प्रॉपर्टी अगर पता है तो हम आंसर गलत चूज नहीं करेंगे बोलो जमा क्या दिस चैप्टर यू मे हैव सम मोर कन्फ्यूजनस एंड डाउट किसी किसने कुछ कुछ छोड़ दिया होगा लेकिन अभी भी मौका है कर लोगे तो हो जाएगा सो वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक नाउ वी विल रिज्यूम एट फोर ट्वेंटी पीएम चार बज के बीस मिनट थैंक यू